हाथ से पीको करना बताऊंगी, तो जिससे आप अपने दुपट्टे पर और अपनी साड़ी पर घर पर ही पीको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी साड़ी या दुपट्टा, जिस पर भी हमें पीको करनी है, उसको किसी कपड़े के ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधा रखते हैं और उसको हम सीधा कर लेते हैं पहले, और उसके धागे वगैरह हम उसके बिल्कुल काट लेते हैं और एकदम उसको सीधा कर लेते हैं। देखिए, या तो हम इसको बिल्कुल ऐसे रख के इसी तरह से सीधा कर लेते हैं, या फिर हम इसके ऊपर इस तरह से इंच टेप रखते हैं बिल्कुल सीधा। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि वो कहाँ से हमारा टेढ़ा है और कहाँ से नहीं है। तो इसको इंच टेप को बिल्कुल सीधा रख के इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है और वो तिरछा होता है, उसको हम इस तरह से काट देते हैं। इंच टेप को बचा के रखना है आपको बस। या आप पहले निशान लगा लीजिए चौक से और तब कटिंग कर लीजिए। हमारी ये कटिंग बिल्कुल सीधी हो गई है और इसके बाद हम अब पीको करते हैं। इस पर पीको करने से पहले या तो हम थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से हल्के हल्के चौक से निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि ये हमें यहीं तक अंदर को मोड़ना है जिससे बिल्कुल सीधा रहे। या फिर हम आइडिया से भी ये कर सकते हैं, जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ से ये ज्यादा हुआ मुड़ा हुआ है, कहाँ से कम मुड़ा हुआ है। तो हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से निशान लगाते रहेंगे, और ये निशान लगाने के बाद हम थोड़ा सा पानी अपने पास रखते हैं और हाथों पर पानी थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से इस निशान तक ऐसे हम अंदर की तरफ को इस तरह से हम फोल्ड करते हैं, और मैं इसको आपको दूसरे कलर के धागे से करके दिखा रही हूं ताकि आपको वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दे इसको। और ये मैंने सिंगल धागा सुई में डाल के डबल में गांठ लगाई हुई है। यहां पर ये पक्का करने के बाद हम यहाँ पर पक्का कर लेते हैं पहले, और इस तरह से हम तिरछे तिरछे इसमें टाके लगाते हैं। और पानी हाथ पर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि उससे आराम से रोल हो जाता है अंदर को, और ज्यादा रोल इसको नहीं करना है। ज्यादा रोल करेंगे तो इसके रोल उतर जाते हैं, और बिल्कुल बराबर बराबर ये टाके हमें लगाने हैं। इस तरह से, और उसी निशान तक हमें ये अंदर को रोल करना है। इस तरह से हमारे ये टाके आएंगे। और हमें देख लेना है हमारा वो निशान, फिर हमें जैसे यहां तक हमारा निशान है उसको हमें इस तरह से करते रहना है, और बीच बीच में हमें हाथ पर इसी तरह से पानी लगाना है और उसको उसी निशान तक ऐसे रोल करना है। और दोनों साइड से हमें देख लेना है कि ये सीधा चल रहा है, इसमें कहीं झोल तो नहीं आ रहा है, चेक करते रहना है बीच बीच में। और बहुत सॉफ्टली इसको हमें करना है, हमें अपने दुपट्टे को बिल्कुल नहीं खींचना है। अगर इसको हम खींचते हैं तो इसमें बीच में वो झोल सा आ जाता है।
ये इस तरह से हमारे दोनों साइड से इस तरह से ये टाके दिखाई दे रहे हैं और ये उल्टी साइड से मैं इसको कर रही हूं और हमें लगातार ऐसे ही करते जाना है। बराबर ही हमें ये फोल्ड करना है और ये टाके बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं हमें करने हैं, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर और थोड़े पास पास ये टाके हमें लेने हैं इस तरह से, और बहुत सॉफ्टली इसको हमें करना है। खींचना नहीं है दुपट्टे को। तिरछी सुई, इस तरह से तिरछी करके सुई निकालनी होती है। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है इस तरह से और ये उल्टी साइड है। देखिए इस तरह से हमारी पीको हो गई है। जब हम इस तरह से एक हाथ इस तरह से कर लेते हैं तो हम सीधी साइड करते हैं फिर इसको। अभी तक हमने उल्टी साइड से ही किया था और फिर हम सीधी साइड से इसको करते हैं और देखिए जैसे ये इस तरह से तिरछे तिरछे टाके बने हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है, इनको इस तरह से इस वी शेप में ये करने होते हैं। ये वी शेप इस तरह से आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से ये जो टाका है इसके यहां से इस तरह से नीचे से सुई निकालते हैं इसी जगह से टाके के ऊपर इसके इस तरह से। तो ये हमारी देखिए वी शेप बन जाती है इस टाके की इस तरह से, और फिर इसी तरह से फिर पीछे से सुई लेके इसी टाके पर निकालते हैं बिल्कुल जहां ये टाका हमारा आ रहा है। ये वी शेप बनती चली जाएगी इस तरह से, फिर इसी टाके के ऊपर इस तरह से निकालते हैं। और इसी तरह से जो हमारा टाका आ रहा है इसके नीचे से हम सुई निकालते हुए इस तरह से करते जाएंगे और ये दोनों साइड हमारी वी शेप बनती चली जाएगी इस तरह से। देखिए ये इधर भी हमारी वी शेप बन गई है और ये उल्टी साइड भी हमारी वी शेप बन गई है, और जो हमारी ऊपर है इसमें क्रॉस क्रॉस से ये बन गए हैं क्रॉस के निशान से। और इसी तरह से आप करते चले जाइए और आप अपनी किसी पुरानी साड़ी पर या पुराने दुपट्टे पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। ये देखिए उल्टी साइड से और ये सीधी साइड से और ये बीच में क्रॉस क्रॉस से बन गए हैं इस तरह से। देखिए ये हमारी पीको इस तरह से हो गई है और बहुत अच्छी हमारी पीको हुई है। ये उल्टी साइड है इसकी और ये इसकी सीधी साइड है, और मैं समझती हूँ इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I'm gonna go get some more.
One.